हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्विक। फ्रेंड अगर फिर से आपका चैनल में स्वागत है। फ्रेंड बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये खुशखबरी उनके लिए स्पेशली है जो लोग परेशान थे, अपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। कह रहे हैं मेरा एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, उसी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहते हैं, या फिर पासवर्ड नहीं मिल रहा है, उनका ईमेल में कहीं मैसेज नहीं दिख रहा है, ना ही एसएमएस बॉक्स में दिख रहा है कोई मैसेज एसएमएस। तो लोग काफ़ी परेशान है कि एडमिट कार्ड अपना कैसे डाउनलोड करें। तो मैं बोला था कि मैं कुछ कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश का कोई रास्ता वैसे नहीं दिखा, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक ऐसा रास्ता दिख गया जो सभी के लिए अब आसान हो गया। इसके लिए बस आपके पास आपका ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लोग देख लिए उनको मालूम ही चल गया होगा कि जो लोग नहीं डाउनलोड कर पाए हैं उनके मेल पे क्या हुआ है, एडमिट कार्ड आ गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड के। अगर आप भूल चुके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड, तो भी आप एडमिट कार्ड अपने ईमेल इनबॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिखाते हैं मैं आपको कैसे ईमेल आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दिखाता हूँ क्या आया हुआ है। ये देखिए आया है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, दिस इज दिस पोस्ट जूनियर असिस्टेंट डियर कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट नंबर CBSE रिक्रूटमेंट सेल एडवर्टीजमेंट FA01/2019 डेटेड 15 नवंबर 2019। द कंप्यूटर बेस्ड CVT इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 28th to 31st June 2020 फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन CBSE। यू आर एडवाइज टू विजिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एंड लॉग इन फॉर डाउनलोडिंग टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड। द ई एडमिट कार्ड मे बी डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन बिलो। देखिए अगर आप नहीं वहाँ से निकाल पाते हैं, आपके पास आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं है, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या उसके आगे लिखा हुआ है। फॉर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन यू आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू कैरी अ प्रिंट आउट हार्ड कॉपी ऑफ योर ई एडमिट कार्ड, प्रेफरेबली इन कलर, एंड आल्सो कैरी वन ओरिजिनल गवर्नमेंट फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड एज इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर वन ऑफ ई एडमिट कार्ड, फेलिंग विच यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। प्लीज इग्नोर इफ यू हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड द एडमिट कार्ड। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग CBSE वेबसाइट रेगुलरली। तो ये लिखा है कि अगर आप पहले से डाउनलोड कर लिए हैं तो आप इस मैसेज को इग्नोर करें, ये कुछ नया नहीं है, ठीक है। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, जो लोग काफ़ी दिन से परेशान है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, मेरे ईमेल पे कोई मैसेज नहीं दिख रहा है, मेरे एसएमएस इनबॉक्स में कोई मैसेज नहीं दिख रहा था, ये उनके लिए है फ्रेंड्स। CBSE को पता चल गया है कि कैंडिडेट्स परेशान हो गए हैं, जो अपना खो चुके हैं मैसेज वगैरह, तो उनके लिए CBSE ये नया नियम निकाला है, मतलब कि ये हेल्प किया है कैंडिडेट्स का कि वो लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। अगर उन्हें अपना आईडी पासवर्ड नहीं मालूम है तो भी अपने मेल से वो लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बड़ा अपडेट है, आप लोग इसे शेयर कर जल्दी से जल्दी ताकि सबका भला हो सके। जो लोग अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हो डाउनलोड कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस इतना अपडेट था, थैंक यू।